हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, मनुष्य को पहली बार किस प्राइवेट कंपनी ने अर्थ से ISS में भेजा? द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल अर्थ टू ISS। मेन ऑफ द ISS इज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। सो ऑप्शंस आर इसरो, जाक्सा, नासा एंड स्पेस एक्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्पेस एक्स। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है। फिर बात करते हैं जाक्सा की, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, द जापान एरोस्पेस एजेंसी। फिर बात करते हैं नासा की, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म द नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स का जो फुल नेम है, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है। अब इसके अंदर इन्होंने दो मनुष्यों को, रॉबर्ट बैनकन एंड डगलस हर्ली, नासा के दो एस्ट्रोनॉट हैं, जिनको फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से गम ड्रॉप शेप्ड कैप्सूल, जिसे क्रू ड्रैगन कहा जाता है, से ISS के लिए लॉन्च किया। इससे पहले स्पेस में मनुष्यों को भेजने का जो काम किया, USA, रशिया एंड चाइना ने किया। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, जिसको अपने गम ड्रॉप शेप्ड कैप्सूल कहते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस एक्स के फॉर्मेशन की, जो कि 2002 में एलन मास्क के द्वारा किया गया। एलन मास्क टेस्ला कंपनी के CEO भी हैं। इसका हेडक्वार्टर हवाथ्रोन कैलिफोर्निया में है। इसने डिफरेंट लॉन्च व्हीकल को भी डेवलपमेंट किया है, स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन एंड ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी इसी के लॉन्च व्हीकल हैं। स्पेसएक्स विभिन्न टर्म्स में फर्स्ट पोजीशन पर है, जैसे कि लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट टू रीच ऑर्बिट, जिसमें फैल्कन फर्स्ट का यूज हुआ, लॉन्च करने में ऑर्बिट और स्पेस को रिकवर करना, जिसका नाम ड्रैगन दिया, इसमें भी स्पेसएक्स फर्स्ट पोजीशन पर है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट भेजने वाली प्राइवेट कंपनी भी स्पेसएक्स ही है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरब देशों का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बरखा कहाँ ओपन हुआ या कहाँ स्थित है? क्वेश्चन, बरखा अरब कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड इन। ऑप्शंस आर ईरान, सऊदी अरबिया, UAE एंड इराक। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द UAE। सो नेक्स्ट बात करते हैं बरखा पावर प्लांट की। बरखा का मीन्स होता है ब्लेसिंग करना। अब बात करते हैं कि बरखा जो है UAE का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 5600 मेगावाट है। इसके अंदर चार न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिसमें से एक कंप्लीट हो चुका है, उसका ऑपरेशन अभी पेंडिंग है। बाकी तीन जो रिएक्टर हैं वो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अबू धाबी के गर्बिया रीजन के अंदर प्रेजेंट है। ये प्लांट अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन ENEC एंड KEPCO कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं UAE की। यहाँ पर मैप दिखाया गया है, मैप के अंदर आपको UAE शो किया गया है। UAE के जो नेबर कंट्रीज़ है, जिसमें ओमान आता है, एक सऊदी अरबिया आता है, कतर आता है, ईरान आता है, ये इसके नेबर कंट्रीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं UAE के बारे में, तो इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ की जो करेंसी है UAE धीरम है, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है। UAE ने अभी एक मार्स मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम है HOP। यहीं पर UAE के अंदर
18 ट्रिलियन क्यूबिक फीट एक नया नेचुरल गैस रिजर्व को भी डिस्कवर किया गया है। वर्ल्ड की लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन अबू धाबी को सिलेक्ट किया गया है और शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 भी यही हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड? सो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं जिसका पुराना नाम HRD मिनिस्ट्री था। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड की। इस बार जो अवार्ड मिला ये 66th स्कॉच गोल्ड अवार्ड था 2020 का। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस 2020 के अंदर पार्टिसिपेट किया और एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू उसने ये अवार्ड जीता है अपने ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME सक्षम का पोर्टल किसने लॉन्च किया? MSME सक्षम पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय, सो ऑप्शंस आर SIDBI, ट्रांस यूनियन सिविल, बॉथ एंड नोटा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सी ऑप्शन, बोथ SIDBI एंड ट्रांस यूनियन सिविल ने मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं MSME सक्षम क्या है। MSME सक्षम एक फाइनेंस एजुकेशन एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म है जो कि क्रेडिट ऑब्लिगेशन को किस तरह से मैनेज किया जाता है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट बात करते हैं SIDBI के जो चेयरमैन जी हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शहर को पूर्वोत्तर का पहला मेन होल सफाई रोबोट बैंडिकॉट मिलेगा? सो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल गेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकॉट? सो ऑप्शंस आर आइजोल, इम्फाल, गुवाहाटी एंड कोहिमा। राइट आंसर इज गुवाहाटी। बात करते हैं अनदर ऑप्शन से उनकी, आइजोल मिजोरम की कैपिटल है, इम्फाल मणिपुर स्टेट की कैपिटल है एंड कोहिमा नागालैंड स्टेट की कैपिटल है। नेक्स्ट बात करते हैं असम की, यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है। इंडिया के मैप में यहाँ पर असम स्टेट को शो किया गया है। गुवाहाटी असम स्टेट का एक सिटी है। असम के साथ इंडिया के 7 सिटीज़ या 7 स्टेट की बाउंड्रीज टच होती है जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। सो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके साथ असम स्टेट की बाउंड्री टच होती है। नेक्स्ट बात करते हैं असम स्टेट की, असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल जी हैं, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी जी, गेम जो है यहाँ का धूप खेल है, एनिमल इंडियन री हॉन्सरियोज है, बर्ड वाइट विंग डक, फ्लोवर राइनोसिस्ट रेट्यूसा, हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की नामच बारवा है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी है जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसमें अभी बाढ़ भी आई हुई है, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो कि असम के अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ की विधानसभा की बात करते हैं तो 126 सीट्स हैं, लोकसभा में 14 एंड राज्यसभा में 7 सीट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ असम। सो इंडिया का पहला गोल्डन टाइगर काजीरंगा के अंदर ही देखा गया। यहाँ पर अभी हाल ही में धनवंतरी स्कीम को लॉन्च किया गया जिसके अंदर जो मेडिसिन्स होती है उनका होम डिलीवरी ऑप्शन के लिए कहा गया। फिर ब्राह्मण सारथी एक स्कीम लॉन्च की गई जो कि गुवाहाटी सिटी के लिए थी, इसमें सीनियर सिटीजन्स और
जो वुमन्स है वहाँ की, उनको फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करवाई गई। फिर बात करते हैं प्रज्ञान भारती स्कीम। इस स्कीम के तहत अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आगे की स्टडी के लिए जो भी बुक्स ड्रेस हैं वो वहाँ पर फ्री दी जाएगी। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेंपल है जिसको कामाख्या टेंपल कहा जाता है, जो कि नीलाचल हिल की पहाड़ी पर स्थित है। ये टेंपल 10th सेंचुरी के अंदर कोच किंग नारा नारायण द्वारा जी के द्वारा बनाया गया। सो नेक्स्ट बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना किस नाम से शुरू की गई? राज्यसभा स्टार्ट एम्प्लॉई वेलफेयर स्कीम इन द नेम ऑफ। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द अरुण जेटली। नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। प्रेम भाटिया अवार्ड किसने जीता? हु वॉन द प्रेम भाटिया अवार्ड? सो ऑप्शंस आर दीपांकर घोष, पीपल्स आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया और परी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बोथ एंड दीपक सुराना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी नए कैंडिडेट हैं जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।